कांवड़ यात्रा से पहले ही सियासी बवाल उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल रहा है। कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर प्रमुखता से नाम प्रदर्शित करना होगा और ये फरमान योगी बाबा ने सुना दिया है। अब सोच किस तरफ है किसकी, इस पर पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से निर्भर करती है। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। कांवड़ यात्रा से पहले ही सियासी बवाल उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल रहा है। जी हाँ, बवाल शुरू होता है उसी जगह से जहां पर कुछ साल पहले काफी ज्यादा दंगे हुए, फसाद हुआ, कई लोगों की जान चली गई, कई लोगों के घर जला दिए गए। वो जगह थी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर। कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर प्रमुखता से नाम प्रदर्शित करना होगा और ये फरमान योगी बाबा ने सुना दिया है और प्रदर्शित करने वाले पर देशव्यापी बहस छिड़ गई है। एक तरफ नेताओं के बीच जुबानी जंग है तो दूसरी तरफ दुकानों के बाहर नाम प्रदर्शित करने का सिलसिला भी जारी है। वहीं सीएम योगी ने इस पूरे मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए साफ कह दिया है कि पूरे प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर दुकानदारों को नाम लिखना होगा। इससे सहयोगी दल भी खफा हो गए हैं। बहस और नेताओं की जुबानी जंग के बीच गुरुवार शाम को और शुक्रवार सुबह दुकानदार और ठेले वाले नाम और पहचान अंकित करते नजर आए। विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ साथ सहयोगी पार्टियों की भी नाराजगी योगी सरकार को झेलनी पड़ रही है। वहीं जेडीयू से लेकर आरएलडी तक भी नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस निर्देश के लिए नाराजगी जाहिर की है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यह नफरत को बढ़ावा देने वाला आदेश है, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उधर भाजपा नेता संगीत सोम ने आदेश का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव पर जमकर पलटवार कर दिया। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि बिहार में इससे भी बड़ी कांवड़ यात्रा होती है, वहां ऐसा कोई आदेश लागू नहीं होता। जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वे प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नारे का उल्लंघन है। यह आदेश बिहार, राजस्थान और झारखंड में लागू नहीं है। अच्छा होगा कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। जब यूपी और योगी प्रशासन पर सवाल की बातें हो तो अखिलेश यादव कैसे पीछे रह सकते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सामाजिक सद्भाव की दुश्मन है, समाज का भाईचारा बिगड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है। भाजपा के इन्हीं विभाजनकारी नीतियों के चलते प्रदेश का सामाजिक वातावरण प्रदूषित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने नया फरमान जारी किया, ठेले ढाबे सहित सभी दुकानदार अपना नाम बाहर जरूर लिखें। इसके पीछे सरकार की मंशा अल्पसंख्यक वर्ग को समाज से अलग बांटने, उन्हें शक के दायरे में लाने की है। जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उनके नाम से क्या पता चलेगा। अखिलेश ने कहा कि भाजपा की नीति और नियत दोनों विभाजनकारी है, जिसे जनता समझ चुकी है। उन्होंने मांग की है कि न्यायालय खुद संज्ञान ले और प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित कार्रवाई करे। वहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि कांवड़ यात्रा मार्गों के दुकानदारों का नाम लिखने का मुजफ्फरनगर पुलिस का फरमान गलत परंपरा है, ये सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ सकता है। जनहित में प्रदेश सरकार को इस आदेश को तत्काल वापस लेना चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने बृहस्पतिवार को एक्स पर जारी अपने बयान में कहा, पश्चिमी यूपी और मुजफ्फरनगर के कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाले सभी होटल, ढाबा, ठेला के दुकानदारों को मालिकों का पूरा नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का नया सरकारी आदेश गलत परंपरा है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने संभल जिले में स्कूली बच्चों के जूते उतरवाने के मामले पर कहा कि जिला प्रशासन द्वारा सरकारी बेसिक स्कूलों में शिक्षक और छात्रों को कक्षा में जूते चप्पल उतार कर जाने का आदेश अनुचित है, इस मामले में भी राज्य सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए। वहीं भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ अति उत्साहित अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा देते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। साथ ही लिखा, जन्म जात मत पूछिए का जात अरुपात, रैदास पुत सब प्रभु के कोई नहीं जात कुजात। जहां एक बड़ा तबका इसके विरोध में खड़ा रहा तो वहीं एक तबका ऐसा भी था जो सरकार के इस फैसले पर सरकार के साथ खड़ा नजर आया। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि यह निर्देश हिंदू मुसलमान टकराव को रोकने के लिए व्यवस्था करने के लिए दिया गया था, मैं इसका समर्थन करता हूं। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इस मुद्दे पर राजनीतिकरण कर रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे हिंदू और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा ना करें। देखिए, यूपी में भाजपा के सहयोगी आरएलडी भी योगी सरकार के इस फैसले से नाराज है।
आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन को दुकानदारों को अपनी दुकान पर अपना नाम धर्म लिखने का निर्देश देना जाति और संप्रदाय को बढ़ावा देने वाला कदम है। प्रशासन इसे वापस ले, ये गैर संवैधानिक निर्णय है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर कार्यकर्ताओं ने टिप्पणी करनी शुरू कर दी। रालोद के कार्यकर्ता का कहना है कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बगैर क्रिया के ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जब सरकार में भागीदारी है तो इसे अलग तरीके से डिफाइन नहीं करना चाहिए। भाजपा के फायरबैंड नेता कहे जाने वाले संगीत सोम ने सोशल मीडिया पर लिखा, कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर नाम लिखने के लिए कहा गया। केवल इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा जिस प्रकार से आपत्ति व्यक्त की गई है वो उनके घोर सांप्रदायिक चरित्र को उजागर करने के लिए पर्याप्त है। अनेकों बार सोशल मीडिया टीवी चैनल पर प्रसारित खबरों में देखा गया है कि किस प्रकार से एक धर्म विशेष के लोगों द्वारा किसी भी खाने पीने की वस्तु में थूकते हुए पेशाब करते हुए इन देश के लोगों ने देखा है। कांवड़ यात्रा की पवित्रता को कायम रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आस्थावान कांवड़ यात्री जिस दुकान से कुछ खाने पीने की वस्तु खरीद रहा है वो जाने कि उसकी तीर्थ यात्रा की पवित्रता को अक्षुण रखने के प्रति वो दुकानदार कितना निष्ठावान है। निसंदेह हिंदू कांवड़ यात्री के आहार की पवित्रता कायम रखने के लिए तीर्थयात्रियों को ये छूट होनी चाहिए कि किस दुकानदार से सामान खरीदे और किससे नहीं। वैसे भी उपभोक्ता के अधिकार का मामला है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह आदेश स्वागत योग्य है और मैं मुक्त कंठ से इसकी सराहना करता हूँ। वही भाजपा के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष बेवजह मामले को तूल दे रहा है। पारदर्शिता में बुराई क्या है? नियम किसी जाति के लिए धर्म के लिए नहीं है, सर्व समाज के दुकानदारों को ऐसा करने के लिए कहा गया है। पूर्व केंद्रीय संजीव बालियान तो सपा पर ही भड़क गए। उन्होंने कहा, मुजफ्फरनगर पुलिस की ओर से जारी आदेश जिसमें सभी दुकानों पर नाम लिखवाना जो सभी के लिए अनिवार्य है, ये एक पूर्व प्रचलित व्यवस्था है। 2013 के दंगों के समय सपा सरकार द्वारा केवल मुसलमानों को विस्थापित मानकर 5 लाख रुपए के मुआवजे का आदेश एक धार्मिक विभेद था। मुजफ्फरनगर से सपा सांसद हरिंद्र मलिक ने कहा कि मुजफ्फरनगर के नाम पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, सभी को सांप्रदायिक सौहार्द बनाकर रखना है। ये देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद प्रतिकूल कोई बात नहीं करनी चाहिए। सम्मानित जिम्मेदार पद पर बैठे ये संभव नहीं है जो बात कह रहे हैं। हम लोग आपस में जाति धर्म में नहीं बंट सकते। आपको अगर कावड़ वालों की वो करनी है तो उस पर जहाँ शाकाहारी वहाँ शाकाहारी लिखवा दो, जहाँ मांसाहारी मांसाहारी लिखवा दो। मांसाहार तो वैसे बंद हो जाएंगे लोग, और तरीके बहुत हैं। इस तरह की बातों से इन्हें ध्यान रखना चाहिए, कहीं ना कहीं इससे विभेद बढ़ेगा। इन सब घटनाक्रम के बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि मुजफ्फरनगर के लोग 2013 का दंगा झेल चुके हैं, इस तरह की नई शुरुआत नहीं होने देंगे। हिंदू और मुसलमान सब मिलकर कांवड़ यात्रा निकलवाते हैं, कांवड़ के समय नई परंपरा शुरू नहीं होने देंगे, ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनने देंगे, दंगा बाहर के लोग करके जाएंगे, मुजफ्फरनगर को झेलना पड़ेगा जैसा पहले हुआ था। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलो खोमचोर दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। ये आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसको जारी किया है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस सब विवादों के बीच ADG मेरठ जोन ने आदेश दिए हैं कि सभी कांवड़ यात्रा के मार्गों पर दुकानदारों को नाम लिखने होंगे। ADG जोन ध्रुवकांत ठाकुर ने कहा कि यह नया आदेश नहीं है बल्कि पिछले साल भी लागू कराया गया। शांति और कानून व्यवस्था के मद्देनजर आदेश का पालन करना होगा। पुलिस कांवड़ियों की सुविधा का ध्यान रखेगी। कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों के बाहर संचालक के नाम लिखे जाएंगे। मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, कांवड़ मार्ग पर सभी जगह आदेश का पालन कराना होगा। अब नई देखिए, सियासत तो हो रही है, सियासी बहस भी छिड़ गई है, लेकिन ऐसा करना उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कितना सही होगा, कितना गलत होगा, इसका इंतजार। क्योंकि देखिए, यहाँ पर इसके दो पहलू हैं, एक तरफ सकारात्मक, एक तरफ नकारात्मक। अब सोच किस तरफ है किसकी, इस पर पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से निर्भर करती है। @9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस फरमान के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। धन्यवाद।